चीन के BRI और तुर्की पाकिस्तान के मंसूबों पर फिरेगा पानी। 440 वोल्ट के झटके के साथ बिखर जाएंगी अजरबैजान की उम्मीदें। नाउमीद BRI प्रोजेक्ट का काल बनकर और मजबूत हो गया भारत का प्रोजेक्ट। भारत और ईरान के चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट में शामिल होगा आर्मेनिया। भारत का साथी आर्मेनिया अपने दुश्मनों को तगड़ा झटका देने का मूड बना रहा है। खबर है कि आर्मेनिया ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में शामिल होने की रुचि दिखाई है। आर्मेनिया इसके लिए बातचीत कर रहा है और वो चाहता है कि पहुंच भारत और बाकी एशियाई देशों तक बन सके। ऐसे में अगर वो चाबहार बंदरगाह में शामिल होता है तो उसका ये सपना आसानी से पूरा हो सकता है। दक्षिण कोकेशियान देश बिना रुके कनेक्टिविटी के लिए अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी इंस्टेक और चाबहार बंदरगाह के बीच शीघ्र संपर्क की उम्मीद कर रहा है। आर्मेनिया के उप विदेश मंत्री मंस्कन सफरियान ने इस बारे में अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आर्मेनियाई प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में चाबहार बंदरगाह के उपयोग पर मुंबई में एक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि हम बंदरगाह में शामिल होने के लिए बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि चाबहार बंदरगाह और इंस्टेक के बीच कनेक्टिविटी जल्द ही पूरी हो जाएगी। जो संकेत मिल रहे हैं उनसे लगता है कि लिंक 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। अब ये खबर ऐसे समय में आई जब कुछ समय पहले ईरान के रास्ते भारत ने आर्मेनिया तक हथियारों की खेप पहुंचाने की खबर सामने आई थी। कुछ महीने पहले आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि पिछले साल भारत ने आर्मेनिया की मिसाइलों रॉकेट और गोला बारूद के एक अहम सौदे से जुड़े ऑर्डर को मंजूरी दी थी। भारत की बढ़ती आर्मेनिया के साथ नजदीकियां अब कई देशों के लिए सिरदर्द बन जाएंगी, खासकर चीन के लिए। BRI से कई देशों के उठते भरोसे के बीच ऐसा होना अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि इन देशों के लिए इंस्टेक कितना जरूरी प्रोजेक्ट बनकर उभरेगा। तब जब BRI का बोझ कई देश उठाना नहीं चाहते हैं और इस प्रोजेक्ट से पीछे हटना शुरू कर चुके हैं, तब आर्मेनिया के भारत के प्रोजेक्ट से जुड़ना अच्छा माना जा रहा है। अगर आर्मेनिया चाबहार बंदरगाह में शामिल हो जाता है तो पाकिस्तान और तुर्की की परेशानियां बढ़ सकती हैं। दिलचस्प बात यह कि जहां ईरान और अजरबैजान दोनों शिया बहुसंख्यक देश हैं, वहीं तेहरान के ऐतिहासिक रूप से आर्मेनिया के साथ रिश्ते हमेशा से मधुर रहे हैं। ईरान और आर्मेनिया भी ऊर्जा साझेदारी साझा करता है। ईरान भी सदियों से आर्मेनियाई प्रवासियों की मेजबानी करता रहा है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो चाबहार में आर्मेनिया का आना ऐसे में पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल वाली बात हो जाएगी, क्योंकि वो अजरबैजान का करीबी है और आर्मेनिया और अजरबैजान की दुश्मनी दुनिया से छिपी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।